तो पाकिस्तान के हालात देखकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शायद गहरा सदमा लगा है। शहबाज शरीफ ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं जैसे उनकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान के हालात दुनिया से छिपे नहीं, वहां लोगों के पास आटा खरीदने तक के पैसे नहीं, मुल्क कंगाल हो चुका है और सरकार भीख का कटोरा लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के आगे हाथ फैला रही है। मुल्क में भुखमरी के हालात हैं और शहबाज शरीफ शेख ही दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे कर्ज नहीं निवेश चाहिए। बताइए जरा, जहां दाने दाने को लोग तरस रहे हों, मोहताज हों, आतंक का बोलबाला जिस मुल्क में हो, वहां निवेश भला कौन करेगा। सपने देखने का हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी है, क्योंकि सपने देखने के पैसे नहीं लगते। जिसकी जैसी मर्जी वैसे सपने देख सकता है। सपने देखने के एवज में कीमत चुकानी होती तो शायद शहबाज शरीफ ऐसी गुस्ताखी नहीं करते, क्योंकि कीमत चुकाने के लिए उनके मुल्क के पास पैसे ही कहां है। पाकिस्तान की जनता के पास पेट भरने के पैसे नहीं है। मुल्क के प्रधानमंत्री दिन में सपने देख रहे हैं। कर्ज नहीं, पूंजी निवेश की बातें कर रहे हैं। मुफलिसी में जी रहे लोगों को मैनेजमेंट मार्केटिंग सिखा रहे हैं। शेखी बघारते हुए लोगों की जिंदगी को कर्ज से मुक्त करने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ, ये तो आपने सही कहा कि नामुमकिन कुछ नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए आपकी ये दलील किसी के गले नहीं उतरेगी। एक तरफ तो पाकिस्तान में महंगाई का विस्फोट है। प्याज 220 रुपए किलो है, टमाटर 240 रुपए किलो, पेट्रोल 258 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर, डीजल 267 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर। सितंबर 2023 तक 128 अमेरिकी बिलियन डॉलर विदेशी कर्ज है। महंगाई तो छोड़िए, जिस मुल्क में आतंकवादी खुले घूमते हों, जिस देश की सेना और खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों को पालने पोसने का काम करती हो, उस मुल्क में शहबाज शरीफ का विजन देखकर उसके हौसले की दाद देनी चाहिए। शहबाज शरीफ का दावा है कि अब की बार वो आखिरी बार IMF से कर्जा मांग रहे हैं, इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा। शहबाज शरीफ के बोल सुनकर हंसने की जरूरत नहीं, उनकी हालत पर तरस जरूर खाया जा सकता है। बेचारे शहबाज शरीफ भला करें भी तो क्या, खाली पेट जनता को वादों और दावों का घूंट पिलाने के सिवाय उनके पास और रखा भी क्या है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान को आर्थिक ताकत बनाने के मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने देख रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के जानकार यूसुफ नजर ने शहबाज शरीफ को आईना दिखा दिया है। यूसुफ नजर ने एक्सपोस्ट किया है कैसे 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट में था। भारत पर भी IMF का कर्ज था, जिसके पुनर्भुगतान पर दबाव था और बाहर कर्ज बढ़ गया था। राजकोषीय घाटे के चालू खाते के घाटे में जुड़ने से विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा था। इस मुश्किल हालात में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों के बहुत मुश्किल लगने वाले कदम उठाए। उन्होंने खामोशी से जो काम किया उनका ही नतीजा है कि आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में से एक है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने भारत की तारीफ की और अपनी सरकार को जमकर घेरा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार का उदाहरण देते हुए शहबाज शरीफ को नसीहत भी दे डाली। एक्सपर्ट्स जो कहें, शहबाज शरीफ के सिर पर पाकिस्तान की आर्थिक हालत सुधारने का ऐसा भूत सवार हुआ है कि वो जज्बातों तक का हवाला दे रहे हैं।